जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड में रोज़गार और शिक्षा से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहली जानकारी है वो है कि कार्यालय जो कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ठीक है, उत्तरकाशी में जो के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे आपके ये स्टार्टिंग में मार्च के स्टार्ट में, उसका रिजल्ट आ गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट का कोड, ब्लॉक का कोड, रोल नंबर और उसका स्टूडेंट का नाम और उसके फादर का नाम। तो जिन जिन मेरे दोस्तों का एडमिशन हो गया है उनके लिए एक थम्स अप तो बनता है। इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बाकी मुझे इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक कॉपी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है कि स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी हो गई है, जिसमें यह कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तथा अन्य शैक्षिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार ने 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रखने का फैसला किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूल है उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। तो आप आगे अपने जानकारी से जान सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। इट मीन्स लगभग कैंसिल हो जाएंगे, उसके बारे में एक अलग से वीडियो और बुलाऊंगा जल्दी। अगली न्यूज है जॉब से संबंधित है। तो ये न्यूज है पावर ग्रिड में, ठीक है। पावर ग्रिड जो कि भारत की एक कंपनी है महारत्ना, जिसमें कि महा प्रबंधक और सहायक अधिकारी कंपनी सचिव की वैकेंसी है, जो आप इसका अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। महा प्रबंधक की एक वैकेंसी और सहायक अधिकारी की दो वैकेंसी है। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको www.powergridindia.com पे जाकर कैरियर के सेक्शन में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे मेरा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम का है ग्रुप, वहां पे ज्वाइन होकर अपने आप कमेंट्स दे सकते हैं। अगली है न्यूज शिक्षा से संबंधित, जहाँ पर शिक्षा के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दें, ऐसा कहना है महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा का। उन्होंने कहा है कि जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण कई जगहों पर शिक्षा का जो नुकसान हुआ है बच्चों का, उसकी भरपाई को लेकर ये चीज़ उन्होंने कहा है कि कोई अदर वैकल्पिक चीज़ हमको चुननी पड़ेगी, जैसे कि ऑनलाइन और जो भी चीज़ संभव हो सके जिससे हम लोगों तक शिक्षा को पहुंचा सकें, उसका हमें वैकल्पिक साधन चुनना पड़ेगा। उसके अलावा अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ भी शिक्षा से संबंधित है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नए शैक्षणिक सत्र से, यानी कि हर ब्लॉक में, जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा कि इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक न्यूज़ कवर की थी कि हर ब्लॉक में CBSE से संबंधित इसकी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। दो एटलीस्ट इनका जो शैक्षिक सत्र होगा, यानी कि अगले, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से इनकी जो है एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सोमवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि, और उसके अलावा गेस्ट टीचरों के तबादले पर भी उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों का चयन राज्य स्तर पर ही होगा। उसके अलावा जो मेन पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बताया है कि हफ्ते में स्कूल चुनने का निर्देश शिक्षा मंत्री ने दे दिया है, एक हफ्ते में। उसके अलावा दो स्कूल, ठीक है, और उसके अलावा करीब 20,000 ओके, ये चीज़ है।